मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं शारदा बालिनीकेतन स्कूल से आपको आज ईवीएस का टॉपिक काइंड्स ऑफ फैमिली पढ़ाने जाने हूं। तो चलिए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फैमिली। काइंड्स ऑफ फैमिली, इससे पहले आपने पढ़ा था कि फैमिली क्या होता है, तो मैं आपको फिर से रिकॉल कराती हूँ। ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर फॉर्म ए फैमिली। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फैमिली, यानी फैमिली के प्रकार। काइंड्स मतलब होता है प्रकार। तो देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली। तो देखिए, फैमिली के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है न्यूक्लियर फैमिली, और सेकंड है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है एकल परिवार। जॉइंट फैमिली मतलब होता है संयुक्त परिवार। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं जब पेरेंट्स और उनके बच्चे जब आपस में एक साथ रहते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार कहते हैं। इन ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मदर ऑफ ए फादर ए मदर एंड देयर चिल्ड्रन। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें कौन कौन कंसिस्ट होते हैं। कंसिस्ट मतलब बना हुआ होना, यानी न्यूक्लियर फैमिली किससे मिलकर बनी होती है? फादर मदर और डेयर मतलब होता है उनका या उनके और उनके बच्चों से मिलकर बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। अब है जॉइंट फैमिली, व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट कजिन्स और लिव टुगेदर दे फॉर्म ए जॉइंट फैमिली। देखिए, जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जब ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, अंकल आंट और कजिन ये सभी साथ में मिलकर रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो बच्चों, आज आपको काइंड्स ऑफ फैमिली याद करना है कि दो टाइप्स होते हैं फैमिली के, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो आपको आपकी नोटबुक में इसे लिखना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।